धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। योगी राज में ब्राह्मणों पर हो रहा है अत्याचार। दिन दहाड़े ब्राह्मणों के घर में घुसकर दबंगों द्वारा लाठी डंडे से हमला। प्रशासन मौन है। जिला जौनपुर के अंतर्गत प्रशासन से सविनय निवेदन है कि थाना बरसठी झिघुरिया ग्राम निवासी के शेष मणि शुक्ला जी के जमीन को हड़पने के उद्देश्य से दबंगों ने जबरन उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर 5 दबंगों गौरव उर्फ विपिन, संदीप उर्फ मोनू, विकास उर्फ लकी, नीरज, कमलेश्वर इत्यादि ने घर में लाठी डंडा एवं ईंट लेकर घुस गए एवं शेषमणि जी एवं उनके भतीजे रविकांत जी का सर फोड़ दिया। घर पर केवल 5 सदस्य थे जिसमें 2 महिला एवं 2 बुजुर्ग। पहले शेषमणि शुक्ला उम्र 80 वर्ष, दूसरे राजदेव शुक्ला उम्र 75 वर्ष एवं एक पुरुष रविकांत शुक्ला उम्र 46 वर्ष थे। परिवार के सदस्य के साथ ही उनके घर पे घुसकर खूब पीटा और जान से मारने की धमकी दी। अतः प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि शेषमणि जी एवं परिवार की मदद करें और दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे फिर कभी किसी गांव में कोई ऐसी हरकत ना करे और बुजुर्गों को इतनी निर्ममता से मारने की सजा मिले, साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर। क्या नाम है दादाजी? किसने मारा आपको? कमलेश्वर प्रसाद शुक्ल, संदीप और कमलेश्वर। काहे मारे हैं? विवाद जमीनी। तो ये बुजुर्ग को क्यों मार दिए? जबरी घुस के घर में आके चढ़ के मारे। घर में घुस करके मारे हैं? घर में घुस के सब करीब 4-5 लोग, एक परिवार के लोग सब थे, घुस के आए मारे। आपका क्या नाम है? रवि ज्ञान। इनका क्या लगता है? हम भतीजे लगते हैं। हम ये बाबड़ी हार्ट के पेशेंट हैं। कहाँ घर है? झिंगरिया। किस ग्राम पंचायत में पड़ता है? कोठा। बाद में घायल वृद्ध को स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल किया रेफर, स्थिति दयनीय। गोठाव ग्राम पंचायत के छिंदिया गांव में पड़ोसियों ने बुधवार की शाम को शेषमर शुक्ला के घर में घुसकर मारे पीटे, जिससे शेषमर के सर में गंभीर चोटें लग गई। पुलिस इलाज के लिए बरसठी अस्पताल भेजा, जहां स्थिति दयनीय होने पर चिकित्सकों ने उन्हें गुरुवार की सुबह जिला अस्पताल रेफर कर दिया।